Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the IT research topics and digital electronics. जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है आपको ये सिलेबस, जिसमें हम लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं. लॉजिक गेट में हमने बेसिक गेट कंप्लीट कर लिया था और यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट कंप्लीट कर लिया था हमने. बेसिक गेट में नॉट गेट और गेट और एंड गेट कंप्लीट कर लिया था और नैंड गेट कंप्लीट कर लिया है हमने. कुछ कुछ उसके क्या पढ़े थे जी, ट्रूथ टेबल पढ़े थे, बुलियन अलजेब्रा पढ़े थे, सर्किट डायग्राम पढ़े थे, उसके इनपुट आउटपुट में रिलेशन पढ़े थे. तो प्लीज़ आप अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं उस लेक्चर को. और डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे. इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल वाले जो वीडियो मैंने बना रखे हैं उसको जाकर देखें और उसको अपने, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें इस वीडियो को देखने के लिए, जिससे कि वह हमारे चैनल का पार्ट बने और हमारा चैनल ग्रो करे. इसमें बात करते हैं तो नॉर गेट का. नॉर गेट देखिए, आपको भी पता है कि ये जो टॉपिक्स है कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबको दिक्कत होगी कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उन्हें खुद नहीं पता है. हर चैनल पे आपको भी ये भी पता होगा कि पूरा आईटीआई के सिलेबस में ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, डिजिटल सर्किट लिखा हुआ है, लेकिन इवन दो दे आर नॉट कवरिंग. बात करूँ प्लेटफॉर्म में भी इसमें बहुत सारी गलती लिखी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ. तो चलिए बात करते हैं नॉर गेट की. नॉर गेट में देखिए जी, नॉर में नाम से ही पता चल रहा है क्या जी, और प्लस नॉट है, और गेट उस पर प्लस नॉट है तो नॉर गेट है. तो और को सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, और का सिंबल ही है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हमको पढ़ना है तो प्लीज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो भी सिंबल आएगा उसको याद रखिएगा. नॉर गेट का क्या है जी, ऐसा सिंबल है, नॉट गेट का ये सिंबल है. तो और प्लस नॉट मिलके क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा. क्या हो जाएगा जी, और प्लस नॉट हो गया क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा. ये मेरा और गेट है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जी, और ये नॉट है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर को, ठीक है. यहाँ से आप समझ सकते हैं. बात की जाए तो बुलियन फार्मूला क्या होता है जी, तो बुलियन फार्मूला होता है वाई आउटपुट इजकल टू, आउटपुट मेरा ये वाई आउटपुट है, यहाँ पे ये मेरा वाई आउटपुट है, तो वाई बराबर क्या होता है, ए प्लस बी. यानी और मीन्स क्या होता है जी, एडिशन और उसके ऊपर नॉट लगाना है, एंड मीन्स एडिशन ऊपर नोट लगाना है. तो अब क्या हो जाएगा जी, दोनों को जोड़ के उसके बाद नोट लगाना है. देखिए अब आउटपुट क्या है जी, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल इसके बारे में. नॉर गेट का क्या पढ़ेंगे जी, ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे. यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हमको समझना है जी नॉर गेट के बारे में हमको क्या पढ़ना है जी, ट्रुथ टेबल है. तो यहाँ पर देखिए इनपुट क्या है जी, आपको ए और बी इनपुट है, आउटपुट क्या है मेरा वाई है. तो अगर देखा जाए तो पहला हम सिंबल क्या लेंगे जी, जीरो और जीरो लेंगे इनपुट. अब दो इनपुट है तो हमारा कितना इनपुट बन जाएगा, तो 2 का पावर 2, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बनेगा. 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 आउटपुट आएगा. तो चलिए जी बनाते हैं. 0 0 अगर केस लेते हैं, मान लीजिए हमारा बुलियन सिंबल क्या है जी, वाई बराबर क्या है, अगर ये नॉर है तो और मीन्स एडिशन और उसके ऊपर क्या है जी, नॉट है. अगर मान लीजिए 0 0 लेते हैं तो 0 प्लस 0 और ऊपर बार है, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 0 का बार क्या हो जाएगा, 1. तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया. हमको याद नहीं करना है जी, हमको ये याद नहीं करना है, हमको इसे फॉर्मूला से लाना है. फिर से आउटपुट अगर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए 1 1 ले लेते हैं, चाहे 1 0 ले लेते हैं, तो 1 प्लस 0 का बार तो क्या हो जाएगा जी, हमने मान लिया 1 और 0 का, तो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 0 बार, तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 का बार क्या हो जाएगा, 0. तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 0. अब मान लीजिए हम चौथा ले लेते हैं 1 किस 1 प्लस 1 वाला, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर बार. तो 1 प्लस 1 क्या होता है जी, 2 नहीं होता है, 1 प्लस 1 1 होता है. मैं बताऊँ कि बुलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 1 ही होता है जी, 2 नहीं होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, उसके ऊपर बार है, तो क्या हो जाएगा जी, 0. आउटपुट क्या मिला, 0. इस बात को ध्यान रखिएगा कि बुलियन अलजेब्रा नॉर्मल अलजेब्रा से क्या होता है जी, बहुत अलग होता है. इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल और बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है. आपको कुछ भी दिया जा सकता है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमको लॉजिकल हर पार्ट को समझना है जी. बात की जाए नॉर गेट की सर्किट की, तो जो चीज़ हम पढ़े हैं उसी को क्या करना है जी, सर्किट के टर्म में पढ़ना है जी. क्या पढ़ना है जी, सर्किट के टर्म में. देखिए अब यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों अगर वन रहेगा, दोनों को सर्किट क्लोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों सर्किट जैसे ही क्लोज होगा हमारा करंट इधर से फ्लो होगा, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा. अगर एक भी मान लीजिए सर्किट क्लोज रहता है तो क्या हो जाएगा, इधर से सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा.
और दोनों का दोनों ओपन रहता है तो क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों ओपन रहेगा तो क्या हो जाएगा, तब बल्ब जलेगा ही, क्योंकि करंट इधर से ही पास होगा, करंट इधर से पास होगा तो बल्ब जलेगा। तो दोनों का दोनों ओपन यानी जीरो रहेगा दोनों, तो क्या हो जाएगा आउटपुट वन यानी बल्ब जल जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना लॉजिकल पार्ट है इसमें। आपको यही बुक में ये सब चीज़ें नहीं लिखा है, मैं उसी को यहाँ पे करा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। मैं बता देना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक है जो आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन और सबकी सभी ब्रांचों के लिए दिया गया है। प्लीज़ आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे ITI ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और मैकेनिक रेडियो एंड TV, उसके अलावा वायरमैन के लिए बुक है, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं ये डिजिटल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें लॉजिकल कंसेप्ट की बात करना है और जो बहुत लोग कम कैपेबल हैं इसको पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूँ। इस बुक में भी बहुत सारे एरर हैं, तो प्लीज़ इस बुक को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा सर्किट डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया, हम इसको समझ भी लिए। अब बात की जाए कि इसमें कितना इनपुट है जी, तो इसमें दो इनपुट था। इनपुट क्या है, इसमें से एक भी या सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट नहीं मिलेगा जी। इसमें से या तो सभी क्या है जी इनपुट हाई रहेगा यानी क्लोज रहेगा सर्किट, या एक भी हाई रहेगा तो क्या होगा आउटपुट हाई नहीं मिलेगा यानी बल्ब नहीं जलेगा। अगर इसमें से एक भी सभी इनपुट लो रहे, दोनों का दोनों लो रहेगा तो क्या होगा जी, हमको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। सभी इनपुट लो रहे, सभी इनपुट का मतलब क्या है, लो रहने का मतलब क्या है, ओपन रहेगा, तो ओपन रहेगा तो क्या होगा बल्ब जलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। इतना समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ और भी गेट होते हैं, XOR गेट होता है, XNOR गेट होता है, तो इस गेट को भी हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक स्पेशल गेट बोलते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो गेट पढ़ा था, बेसिक गेट पढ़ा था, यूनिवर्सल गेट पढ़ा था, उससे अब हमारे सर्किट और भी स्टैंडर्ड हुए, तो हमको उसको उससे क्या हुआ फुलफिल नहीं हुआ, तो हमको और भी मॉडिफाइड गेट बनाने पड़े। हमको क्या बनाना पड़ा, और भी मॉडिफाइड गेट बनाना पड़ा। कौन कौन से बनाना पड़ा जी, एक्सक्लूसिव और गेट, XOR, इसको एक्सक्लूसिव और को क्या लिख सकते हैं, XOR लिखते हैं, या XOR भी गेट लिखते हैं, या इनइक्वेलिटी गेट भी इसको बोलते हैं। इसका नाम लिखिएगा कितना है, एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। एक्सक्लूसिव क्या, एक्स लाइए और लाइए XOR, एक्स को इस एक्सक्लूसिव को एक्स क्यों दीजिए तो XOR गेट हो जाएगा, इनइक्वेलिटी गेट। तो इसका ज़्यादा फेमस नाम है XOR गेट और XOR गेट, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट इसका पूरा नाम है, आपको पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। सिंबल देखिए, इसमें देखा जाए तो क्या है जी, और प्लस एक्स यानी और गेट है जी, और गेट है। हमारा सिंबल कैसा था, ऐसा था सिंबल। और एक्स और का मतलब, एक्स मतलब क्या है जी, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है जी, थोड़ा उसको क्या कीजिए, डिस्टेंस बना दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए। इंक्लूड करना होता है मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब क्या करना, अलग कर देना, तो वो अलग कर दीजिए, सिंबल बन गया क्या जी, एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल बन गया। यहाँ से अगर बुलियन सूत्र का देखिएगा फॉर्मूला, बुलियन सूत्र का फॉर्मूला अगर देखिएगा तो देखिए, बुलियन सूत्र का अगर फॉर्मूला दिखिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा जी, बोल रहा है और मिस क्या होता था जी, और मिस एडिशन, तो और मिस एडिशन कर दीजिए, उसमें क्या कीजिए जाए, एक्सक्लूड कर दीजिएगा। जीरो करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड करना हो गया। अब एक्सक्लूड करने का मतलब क्या हो गया जी, ए बी बार प्लस ए बार बी। अब ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए हमको क्या मिला जी, आउटपुट में मिला ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी एक को छोड़ के दूसरे बार लगाइए, फिर से एक पे बार लगाइए और दूसरे को छोड़ दीजिए, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट है, ठीक है जी। XOR गेट बोलते हैं, XOR गेट बोलते हैं, इनइक्वलिटी गेट बोलते हैं, यानी कोई दो इनपुट क्वांटिटी इक्वल है या नहीं इसको चेक करने के लिए कौन सा गेट का यूज किया जाता है जी, तो एक्सक्लूसिव और गेट का चेक किया जाता है। याद रखिए क्या बोल रहे हैं, हमने बोल रहा हूँ कि ए और बी बराबर है या नहीं इसको चेक करना है, या ए बड़ा है बी बड़ा है इसको चेक करना होगा, तो कौन सा गेट लेंगे जी, इनइक्वलिटी गेट, इसीलिए इसको नाम पड़ा है। तो इसके लिए कौन सा गेट लेंगे, तो XOR गेट लेंगे, इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम इनइक्वलिटी गेट है। हम इससे बता सकते हैं कि ये बड़ा है कि बी बड़ा है। हम लोग जब इस लॉजिकल सर्किट इसको डिजाइन करते हैं, जब हम बीटेक में थे फाइनल ईयर में, तो मैं बीटेक किया हूँ 2010 का, तो आपको पता है उस समय हम लोग को ये बताया गया था डिजिटल सर्किट बनाने के लिए, तो हम लोग ने वहाँ पे
तीन चार, यहाँ पे तो दो ही इनपुट लिया गया, हम लोगों ने वहाँ पे तीन तीन चार चार इनपुट लेकर सर्किट बनाए थे। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा था, क्योंकि सर्किट क्या होता है जी, कहीं से भी लूज हो सकता था, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो लैब में वो, और लैब की उतनी फैसिलिटी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे अच्छे फैसिलिटी दिया जा सके कहीं भी। आपको मैं बता रहा हूँ, IIT में भी ऐसा फैसिलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर नहीं किया जाता, क्योंकि सभी सामान क्या होते थे, बहुत ही महंगे पड़ते हैं। तो इसमें हमने चार ही इनपुट करने में हम लोग को बहुत परेशानी होता है, यहाँ पे तो आपको दो ही इनपुट दिया गया है। फिर भी ये थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क है। तो देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा और गेट आया, एक्स्ट्रा और गेट में आया, इनपुट क्या है जी, जो दो इनपुट है, ए और बी इनपुट है, आउटपुट क्या है, वाई है, वाई आउटपुट में क्या है जी, ए। देखिए दो इनपुट है, तो ए बी बार प्लस ए बार बी, इसको ऐसे भी बार लिखा हो सकता है, या ऐसे भी लिखा हो सकता है, ए बी बार, ऐसे भी डैश भी लिखा सकता है, या ए डैश बी, ठीक है ना। तो वो बार रहे या डैश रहे, दोनों का क्या है जी, उसका मतलब है नॉट है, उसका क्या है जी, अपोजिट है, उसका क्या है जी, उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। नॉट गेट के हमने जो जो तरीके पढ़े थे, इन क्या क्या नाम था उसका, इन्वर्टेड गेट, नॉट गेट, कंप्लीमेंट गेट, तो वो सब कह सकते हैं इसको जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बुलियन अलजेब्रा का कैलकुलेशन अलग होता है। देखिए ए और बी, जीरो जीरो, ये तो चार इनपुट बन जाएगा, क्योंकि दो इनपुट लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, इनपुट कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, चार बनेगा, ठीक है जी। तो चार बनेगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब लड़कों को दिक्कत आने लगेगी कि लड़के सॉल्व नहीं कर पाएंगे जी। तो मैं आपको जीरो जीरो वन वाला कंसेप्ट ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, जीरो और वन वाला ले रहा हूँ, और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जी। वाई बराबर क्या है, ए बार बी प्लस बी ए बार, ठीक है जी। ए को मैंने ए ले लिया जीरो, और बी को मैं लिया वन, यानी हमारा ए वाला केस हो गया जी। तो ए बार यानी जीरो का बार क्या हो जाएगा जी, जीरो का बार, मैं बार को ऐसे लिख रहा हूँ, जीरो पे बार वन, प्लस बी का मतलब यहाँ बी बार और ए रहेगा, सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया है, और बी बार, बी बार का मतलब क्या हो जाएगा जी, वन पे बार डॉट ए, ए का क्या मतलब है, जीरो, ठीक है जी। तो ए बार का मतलब क्या होता है, वन, वन वन मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, वन का बार क्या होता है, जीरो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो आउटपुट क्या मिला, वन। यानी हम जीरो वन लिए तो आउटपुट क्या मिला जी, वन मिला। वन जीरो लेकर भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। वन वन के लिए भी सॉल्व कर लीजिएगा, वन वन को जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, जीरो मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सॉल्व करना है जी, मैं वीडियो लेने बनाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक चलिए मैं वन वन केस भी समझा दे रहा हूँ। तो देखिए वाई बराबर क्या है जी, एक्स और गेट में क्या है, ए बार बी प्लस बी ए बार, वन वन केस ले रहे हैं, इनपुट कौन कौन सा इनपुट ले रहे हैं जी, वन वन, तो वाई में क्या मिलेगा हमको, वन का बार वन मल्टीप्लाई प्लस वन बी है, ए का बार, ठीक है जी। यहाँ से देख सकते हैं वन का बार क्या हो जाएगा, जीरो, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो क्या मिला, जीरो, तो हमारा आउटपुट क्या मिला, जीरो मिला। यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या मिला जी, जीरो मिला। तो ये आउटपुट क्या है जी, जीरो मिला। वन वन पे क्या मिला, जीरो मिला हमको। ये कौन सा गेट है जी, तो एक्सोर गेट है। कौन सा गेट है जी, एक्सोर गेट है, एक्सक्लूसिव और, एक्सोर, एक्सोर इनइक्वलिटी गेट भी किसको बोलते हैं। बोला जाएगा कि दो दो डेटा को अगर कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है या छोटा है, तो इनइक्वलिटी कौन सी शो करती है जी, तो एक्सोर गेट करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं इसमें दो इनपुट है, कौन कौन से इनपुट है जी, जीरो वन वन वन, रहने पर आउटपुट क्या मिलेगा जी, लो मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, देखिए अगर सेम रहेगा, सेम क्वांटिटी रहेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा जी, लो मिलेगा। देखिए यहाँ पे सेम रहेगा, यानी दोनों अगर क्वांटिटी बराबर रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा जी, लो मिलेगा, और एक बड़ा या छोटा रहेगा तो क्या मिलेगा, आउटपुट लो मिलेगा, हाई मिलेगा, सॉरी। अगर मान लीजिए दोनों इनपुट अलग अलग था तो क्या मिल रहा था, आउटपुट हाई मिल रहा था। यही है हमारा कौन सा गेट है जी, एक्सोर गेट, एक्सोर गेट था। अब अगला मेरा टॉपिक है एक्सनोर, एक्सक्लूसिव नॉर, क्या है जी, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, इस बात को समझिएगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है जी, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट की बात किया जाए तो एक्सक्लूसिव नॉर को एक्स यहाँ से लिए तो एक्स नॉर, या एक्स इसको एक्स लिखे तो एक्स नॉर हो गया, या इक्वलिटी गेट, इसको अगर दो क्वांटिटी इक्वल है या नहीं उसको चेक करने के लिए भी इसको सॉल्व किया जाता है जी, ठीक है जी। दो क्वांटिटी इक्वल है या नहीं इसको सॉल्व किया जाता है, वो क्या था, इनइक्वलिटी, दो इक्वल है या नहीं उसको चेक किया जाता था, इक्वल है या नहीं उसको चेक किया जाता था, इनइक्वलिटी चेक किया जाता है, इसे इक्वलिटी चेक किया जाता है। आइए एक्स नॉर गेट है,
तो एक्स नॉर में देखिए, नॉर गेट को हम लोग ऐसे बनाते थे, एक्स मैंने अलग कर दिए थे, उसमें फिर से नॉर है, नॉट है यहाँ पे, तो नॉट है तो क्या लेंगे यहाँ पे, गोला घेर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, क्या मिला जी, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो यहाँ पे देखिए एक्स और का उस पर भी बार लगा रखा है, तो इसको सॉल्व करके ये आया है, हमको इतना समझने की जरूरत नहीं है जी, हमको डायरेक्ट ये याद रखना है कि ए बी दोनों को बिना बार का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से दोनों को बार को मल्टीप्लाई करके क्या कीजिए, जोड़ दीजिए जी, ठीक है जी, जोड़ दीजिए। यहाँ पे देख समझ सकते हैं आप लोग कि थोड़ा सा वीडियो क्या हो रहा है जी, स्लो चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज शांति के साथ समझिएगा। टॉपिक तो आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी ऐड है, पार्ट ए में आईटी लिटरेचर से भी रिलेटेड है, और पार्ट बी में बात की जाए तो डिजिटल है। डिजिटल देखिए एनालॉग से क्वेश्चन आया या ना आया, लेकिन डिजिटल टॉपिक से है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं सकते जी। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही आसान लग रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों को ही तो बहुत आसान लगा होगा, लेकिन वायरमैन को और ट्रेड को शायद ही ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग भी रहा होगा। चलिए बात की जाए, इनपुट मेरा ए 0 0 है, 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट क्या मिला, 1 0 1 0, उसका जस्ट क्या मिला जी, अपोजिट मिला, क्योंकि वो इनइक्वलिटी चेक कर रहा था, यहाँ पे क्या रहा है, इक्वलिटी चेक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट जस्ट अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है जी, नोट कर लेते हैं हम लोग, इसमें दो इनपुट समान रहने पे आउटपुट क्या मिल रहा है जी, हाई मिल रहा है, जब दो इनपुट समान मिल रहा है जी तो क्या मिल रहा है जी, आउटपुट मेरा क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है, ठीक है ना। हम इसमें थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है जी, हमारा आउटपुट है ए बी प्लस ए बार बी, क्या है जी, एक्स नॉर है, क्या है जी, एक्स नॉर है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, एक्स नॉर में ए है जी, तो अगर मान लीजिए 0 0 का केस लेते हैं तो क्या मिलेगा, 0 0 का केस लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई 0 बराबर प्लस 0 का बार और 0 का बार, यानी दोनों का बार, तो 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 1, आउटपुट क्या मिला हमको, 1 मिला, देखिए 0 0 पे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बात करें 1 1 का केस लेते हैं, कौन कौन सा लेंगे जी, 1 1 का केस ले लेते हैं, आउटपुट क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, क्या मिला, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का बार मल्टीप्लाई 1 का बार, तो 1 प्लस 1 1 हो गया, 0.0 क्या मिला, 1 मिला, आउटपुट क्या मिला जी, 1 मिला। तो आउटपुट देख सकते हैं 1,1 पे क्या मिला, आउटपुट 1 मिला। अब ले लेते हैं जी 0 1 का आउटपुट, वाई बराबर क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार, तो हम ई लेते हैं बी लेते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 का बार मल्टीप्लाई 1 का बार, तो 0 1 क्या हो जाएगा जी, 0 1 का बार क्या है, 0 का बार 1 1 का बार 0, तो 0 प्लस 0 बराबर क्या मिलेगा, 0, तो 0 1 में क्या मिला हमको, आउटपुट 0 मिला, 0 1 में क्या मिला जी, 0 1 में आउटपुट 0 मिला। तो यहाँ से समझ सकते हैं ये लॉजिकल है, पूरा चीज लॉजिकल है, बस इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा बुलियन अलजेब्रा, मैं कल आपको बुलियन अलजेब्रा ही बताऊंगा, ताकि आप फिर से इस लेक्चर को जाकर वीडियो को देखें और फिर से समझने की कोशिश करें। मैं अगले दिन आपको बुलियन अलजेब्रा का कुछ रूल्स बता दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा और फिर से इस सब को जाकर रिवीजन कीजिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। और बुलियन आपको पता है जो ट्रुथ टेबल है उसी से क्वेश्चन आने के चांसेस है, सर्किट से आने के चांसेस है। अब बात की जाए तो अब कुछ गेट के बारे में बात किया जाए, तो नैंड गेट नॉर गेट का उपयोग करके अन्य सभी गेट बनाया जा सकता है, ठीक है जी, क्योंकि यूनिवर्सल गेट इसका नाम है, इसलिए इसे सभी गेट बनाया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अन्य गेट बनाने के लिए नंबर ऑफ नैंड गेट नॉर गेट का प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए अब बात है कि भाई नैंड और नॉर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक जैसा गेट रहेगा तो हम उसको पता है उसका साइज क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो हम सबको एक ही सर्किट के वोल्टेज और करंट देंगे, जिससे हमको क्या होगी, सुविधा होगी। अगर बात की जाएगी अलग अलग गेट रहेगा, अलग अलग वोल्टेज देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, हमको सब मेंटेन करना पड़ेगा, तो इससे डिफिकल्टी बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग एक ही गेट रखते हैं, चाहे गेट एक दो गेट बढ़ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पता है 10^9 गेट्स होते हैं एक छोटे से आईसी में, 10^9, तो समझ सकते हैं
कि उसमें अगर 1000 2000 गेट अगर बढ़ भी जाता है, लॉजिक गेट बढ़ भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो बिलियंस और बिलियंस ऑफ गेट्स हैं, तो इसलिए इतना मायने नहीं रख सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को यूज करने से, सेम गेट यूज करने से, अगर हमको करंट सेम देना पड़ रहा है, वोल्टेज सेम देना पड़ रहा है, सर्किट सेम मेंटेन करना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए सुविधा है, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है जी, अब बात कर रहे हैं तो अन्य गेट बनाने के लिए नैंड गेट और नॉर गेट का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि क्या हो जाएगा, हैंडल करने में आसानी रहेगा। कोई एक गेट ले लेंगे, नैंड गेट ले लेंगे, उससे बना लेंगे पूरा सर्किट, या नॉर गेट ले लेंगे, उससे सर्किट अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं गेट नेम। गेट नेम, नंबर ऑफ नैंड गेट, नंबर ऑफ नॉर गेट। ठीक है जी, नॉट गेट, अब देखिए नॉट गेट बनाने के लिए बोल रहा है नैंड गेट कितनी आवश्यकता होगी, तो एक होगी। ठीक है जी, नैंड गेट बनाने के लिए, अब देखिए इसमें थोड़ा हमको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आएगा। नॉट गेट अगर बनाना है, देखिए मैं इसमें कुछ आपको कुछ पोर्शन मैं करा दे रहा हूँ, कुछ पोर्शन आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये नैंड गेट है मेरा, मेरा क्या है जी, नैंड गेट है, एंड मिस मल्टीप्लाई ए और बी, इसके ऊपर नॉट है, तो क्या है मिला, आउटपुट नैंड गेट मिला जी, ये मेरा नैंड गेट है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। नैंड गेट का मतलब है जी ए और एंड मिस मल्टीप्लाई, उस पर नॉट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उस पर नॉट लगा दीजिए। तो देखिए अगर हमको इसका आउटपुट क्या चाहिए जी, अगर मान लीजिए इसका हमको आउटपुट नॉट गेट बनाना है, इस गेट से हमको क्या बनाना है जी, नॉट गेट बनाना, तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए हमको अगर नॉट गेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे जी, अब मान लीजिए नॉट गेट में तो एक ही इनपुट देते हैं, तो एक ही इनपुट क्या करेंगे, दोनों में दे देंगे, और क्या हो जाएगा जी, आउटपुट वाई निकल जाएगा, आउटपुट वाई निकलेगा ना, तो देखिए अब आउटपुट वाई निकलेगा, तो ये तो फॉर्मूला क्या था जी, यहाँ पे नैंड गेट का ये था, ए डॉट बी एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस पर बार लगा दीजिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ए और बी दोनों क्या हो गया, ए ही हो गया, ए मल्टीप्लाई ए उस पर बार, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए, देखिए अब 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0, और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर हो रहा था, नहीं हो रहा था जी, वह ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए ही होता है, उसके ऊपर बार, तो आउटपुट में क्या मिला जी, ए बार मिला। तो देख सकते हैं कि हमने इनपुट ए दिया था, आउटपुट क्या मिला जी, ए बार मिला, तो इन्वर्ट हो गया कि नहीं, उल्टा हो गया कि नहीं, नॉट हो गया कि नहीं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमको क्या मिला जी, नैंड गेट बनाया, किससे बनाया, नैंड गेट से हमने क्या बनाया है, नॉर गेट बनाया है, नॉट गेट, नैंड गेट से हमने क्या बनाया है, नॉट गेट बनाया है। समझने की कोशिश कीजिए, ये छोटा सा था इसलिए मैं इसको बता दिया था, लेकिन बाकी आप सबको ये रटना पड़ेगा जी, कितने हो सकता है कितने नहीं। देखिए वही बोल रहा है कि नॉट अगर गेट बनाना है, नॉट गेट अगर बनाए हमने, तो कितना नैंड गेट का यूज किया जी, तो एक नैंड गेट का यूज किया, एक नैंड गेट, एक नॉर गेट का भी यूज करके हम नैंड गेट या नॉट गेट बना सकते हैं। लेकिन एंड गेट अगर बनाना है तो दो क्या चाहिए जी, नैंड गेट चाहिए, तीन क्या चाहिए, नॉर गेट चाहिए। अगर और गेट बनाना है तो क्या चाहिए, तीन हमको नैंड गेट चाहिए, दो क्या चाहिए, नॉर गेट चाहिए। अगर एक्सोर बनाना है तो कितना चाहिए जी, चार हमको नैंड चाहिए, और पांच क्या चाहिए जी, नॉर गेट चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 7 स्टार डाल सकते हैं जी, यहाँ पे 7 स्टार डाल सकते हैं इसको, इस टॉपिक को। ठीक है जी, एक्स नॉर का मतलब क्या होगा जी, यहाँ पे चार नैंड गेट चाहिए और पांच क्या चाहिए, नॉर गेट चाहिए। एक्स नॉर में पांच नैंड चाहिए जी और चार क्या चाहिए, नॉर गेट चाहिए। हाफ हेडर बनाने के लिए पांच क्या चाहिए जी, नैंड गेट चाहिए, पांच क्या चाहिए, नॉर गेट चाहिए। हाफ हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स नॉर गेट बनाने के लिए हमको कितना चाहिए नैंड गेट जी, चार ही चाहिए। अब नॉर गेट से तो नॉर नहीं बनाएंगे जी, नॉर गेट से नॉर बनाना रहेगा तो क्या करें, बनाएंगे ही नहीं ना, इसलिए खाली रखा है। अब नैंड गेट से अगर नॉर गेट बनाना है तो चार, समझ सकते हैं कितना लॉजिकल है। इसको अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, अगर यही सर्किट बनाया जाता है जैसे इसमें मैंने सर्किट बनाया है, वैसे ही सोचिए चार पांच अगर गेट दिया जाएगा उससे आपको सर्किट बनाना है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कराना चाहता हूँ, डायरेक्ट आपको याद करा देना चाहता हूँ, क्योंकि याद करना ही इसके लिए बहुत सहूलियत है। अगर आप इसको समझने के बैठेगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जब आईटीआई पढ़ रहे थे तो उस समय तो आपने ये कवर किया नहीं। बीटेक वाले तो थोड़ा बहुत कवर कर भी लेते हैं, एमटेक वाले, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो एमटेक भी वो भी वीएलएसआई जो करते हैं वो सभी सब टॉपिक पढ़ते हैं जी, एमटेक जो वीएलएसआई से करते हैं वो सभी पढ़ते हैं। एमटेक में जो सिग्नल से पढ़ते हैं वो लोग भी नहीं करते हैं, जो टेलीकॉम वगैरह से पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं बीटेक वाले में भी नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे लड़के, कुछ लड़के पढ़ते भी हैं
जिनको गेट वगैरह की तैयारी करना रहती है वही सब समझते हैं, तो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी उसमें भी आपको आता है, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा आप भी डायरेक्टरेट हैं, इसको समझने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिएगा तो इतने क्वेश्चन को आप बना भी नहीं पाइएगा, एक ही क्वेश्चन बनाइएगा पूरे आप सेक्शन में जी, तो टाइम का भी अभाव है। इसलिए चलिए अब बात कर रहे हैं और एंड नैंड नॉर एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट में से एक से अधिक इनपुट हो सकता है, केवल नॉट गेट में ही एक इनपुट होता है जी। बोल रहा है कि इनपुट क्या होता है जी, सब में क्या हो सकता है इनपुट, एक से अधिक हो सकता है, नॉट गेट में क्या होता है एक इनपुट रहता है। अगर बात की जाए कि नॉट गेट भी अगर आप बनाया गया इस तरीके से नॉट गेट बनाया गया तो भी क्या है जी, इसमें भी इनपुट देखिए क्या है, एक ही इनपुट है। इसीलिए बोल रहा है कि नॉट गेट, अगर ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा गेट है जिसमें एक इनपुट होता है, तो आप क्या बताइएगा जी, नॉट गेट। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आपको छोटी छोटी चीजें हैं इसी को आपको याद करना। अब बात कर रहे हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम का आपको हेल्प लेकर ही मैं आपको इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था। देखिए जैसे ए प्लस बी के ऊपर बार है, तो इसको हम डिमॉर्गन्स के थ्योरम से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो दोनों जोड़ का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है और बार अलग अलग लग जाता है, तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम ने बताया था। क्या है जी, दोनों को प्लस है उसके ऊपर बार है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में कर देंगे अलग अलग बार दे देंगे, या देखिए दोनों मल्टीप्लाई में उसके ऊपर बार है तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जोड़ करेंगे और बार लगा देंगे जी, तो क्या हो गया, ये डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम ये था, सेकंड थ्योरम ये था। हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा और बार उससे लगा देंगे, अलग अलग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बार एक ही में है, यहाँ पे बार क्या है अलग अलग है, यहाँ पे बार क्या है एक ही में है, लेकिन यहाँ बार क्या है जी अलग अलग है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये बुलियंस है। ठीक है जी, सॉरी डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम था जो हम क्या कर रहे हैं जी, बुलियंस अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये थ्योरी दिया था। इसीलिए मैं आपको जो बता रहा था आपको शायद समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल वालों को बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम कल कल वाले लेक्चर में आपको ये बेसिक रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ एडर फुल एडर, आपको ये डिजिटल लॉजिक गेट का जो चैप्टर है उसके बाद खत्म हो जाएगा, और इसमें फिर से हम लोग डिजिटल सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें बाइनरी नंबर है और ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर, उसको कन्वर्ट करने को सीखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इसी लेक्चर को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, प्लीज मैं आप लोग से कहूँगा कि आप बुलियन अलजेब्रा जब मैं पढ़ा दूंगा तो फिर से आप पिछले वाले दो लेक्चर जाकर देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें यार, लाइक दे दिया करो, लाइक भी नहीं मिल रहा है और व्यू भी बढ़ाओ, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपका ही मेहनत रंग लाएगा, मुझे भी पता है कि आप ही मेहनत करोगे तो रंग लाएगा और मेरा चैनल क्या होगा जी, ग्रो करेगा। तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, फोर्सफुली रिकमेंड कीजिए। अभी तो मेरे चैनल के व्यूवर्स भी नहीं हैं, तो प्लीज जब व्यूवर्स ज़्यादा बढ़ जाएँ तो आप कम भी कर सकीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रुप डी एग्जाम।